जब हम प्रेम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले केवल एक ही तस्वीर उभरती है, जो है श्री राधा कृष्ण की। हमने दोनों के प्रसंग से जुड़ी अनेक कथाएं सुनी हैं, लेकिन आपको पता है जब रुक्मिणी जी पहली बार राधा रानी से मिली तब क्या हुआ? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यह बात उस समय की है जब श्री कृष्ण द्वारका में विश्राम कर रहे थे। लगभग आधी रात में श्री कृष्ण के मुख से अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि वह किसी का नाम पुकार रहे हैं। तभी रुक्मिणी को लगा वह किसी को बुला रहे हैं, पर पास जाकर देखा और सुनने का प्रयास किया तो पता चला वह किसी राधा का नाम जप रहे हैं और नींद में ही मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मिणी जी को आश्चर्य हुआ कि मैं दिन भर द्वारकाधीश की सेवा में लगी रहती हूँ और फिर भी वह राधा का नाम क्यों पुकार रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा जी से मिली हैं? और मंद मंद मुस्कुराने लगे। अगले दिन रुक्मिणी जी राधा जी से मिलने उनके महल में पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देख और उनके मुख पर तेज होने के कारण उन्होंने सोचा कि यही राधा जी है और उनके चरण छूने लगी। तभी वो बोली, आप कौन हैं? तब रुक्मिणी जी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। तब वह बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ, राधा जी तो सात द्वार के बाद आपको मिलेगी। रुक्मिणी जी ने सातों द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कैसी होगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान तेजस्वी जिसका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मिणी जी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी जी ने पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया वो बहुत ज़्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है।